आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में कोरोना कर्फ्यू के बीच बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि बदमाशों ने कमिश्नर कार्यालय के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। लूट करने वाले बदमाशों की संख्या 2 बताई गई है, जिन्होंने गरीबों को खाद्यान्न वितरण कर रहे व्यक्ति को अपना निशाना बनाया है। घटना के दौरान लूट कर भाग रहे बदमाशों ने पीड़ित द्वारा पीछा करने पर अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बाइक को जब्त कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कमिश्नर कार्यालय के सामने की है। पीड़ित युवक ने बताया कि वह कमिश्नर कार्यालय के पास खाद्यान्न वितरण कर रहे थे और मोबाइल को स्कूटी पर रखकर डायरी में कुछ लिखने लगे। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए मोबाइल लूट लिया और मौके से भाग खड़े हुए। घटना के दौरान पीड़ित ने शोर मचाते हुए जब उनका पीछा किया तो बाइक सवार बदमाश मौके पर ही बाइक छोड़कर तंग गलियों से भाग खड़े हुए। पुलिस ने बदमाशों की बाइक को जब्त कर लिया है और बाइक नंबर के आधार पर बदमाशों की पतासाजी कर उनकी तलाश में जुट गई है। अभी फरियादी जो है राहुल मिश्रा जी जो पत्रकार हैं, मैं अदालत के पास से गुजर रहा था तो इन्होंने कंप्लेन की कि इनका कोई व्यक्ति मोबाइल छुड़ा के भाग गया है और अपनी गाड़ी यहीं पटक गया है। तो मैंने जाके देखा उसको और कंट्रोल को कॉल किया और सिविल लाइन मोबाइल को बुलवाया। अब जांच के पश्चात ही इसकी तथ्य सामने आएंगे। चोर गाड़ी छोड़ के भाग गए? हाँ, ऐसा फरियादी के द्वारा बताया गया। एक सोशल वर्कर हूँ, रोज़ मेरा ये काम रहता है गरीबों को खाना बंटवाना, अनाज गल्ला राशन करवाना, सब व्यवस्था करवाना। इस दरमियान आज मैं जब निकला यहाँ से, आपके जब सामने से निकला यहाँ के कम से कम करीब आपके 12-1 बजे की घटना है, 1 बजे मैं यहाँ पर आया तो मैं अपने गाड़ी में कुछ नंबर नोट कर रहा था। नंबर नोट करते हुए यहाँ पर जैसे खड़ा हुआ तो 2 बाइकर्स वाले आए और 2 बाइकर्स वालों में से 1 बाइकर्स वाले ने आपके मेरा आपके क्या नाम से मोबाइल छिना लिया और ले जाके सीधे निकल गए। मेरे साथ में एक आदमी और था और उसने देखा और जैसे हम लोगों ने पीछा किया तो गाड़ी छोड़ करके वो भाग गए। और सोचिए कि ये स्थिति चल रही है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस हर जगह कहती है कि हम यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं, वहाँ व्यवस्था बना रहे हैं, लॉकडाउन की व्यवस्था बना रहे हैं, यहाँ खुलेआम चोरी हो रही है। हम